जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नितेश रंजन टॉक में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो सभी किसान भाइयों के खाता में आ रहा था, इस बार जो है बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके खाते में नहीं आया है। और ये पैसा क्यों नहीं आया है, क्योंकि जो है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका पैसा जो है रेगुलर आ रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, उनका पैसा नहीं आया है। और स्टेटस चेक करने पर ये पता लग रहा है कि उनके खाते में NPCI के कारण जो है उनका पैसा नहीं आया। अगर आपका साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कैसे इसको सही कर सकते हैं और आने वाले किस्त के लिए आप कैसे जो है इसके कर सकते हैं, तो चलिए हम स्टेप बाई स्टेप आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। अगर आपके खाते से भी NPCI जो है नहीं शो हो रहा है, तो सबसे पहले आपको जिस भी आपका बैंक में खाता है उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक NPCI का फॉर्म मिलता है, ले जाकर आप अपने ब्रांच में विजिट कर सकते हैं और वहां आप NPCI फॉर्म जमा कर दीजिएगा। आपका NPCI जो है वहां से ब्रांच द्वारा कर दिया जाएगा। इसके बाद 10 से 15 डेज बाद जो है आप पुनः अपने ब्रांच में जाकर वहाँ संपर्क कर सकते हैं कि आपका NPCI जो है कंप्लीट हुआ कि नहीं। और इसके बाद जो अगर ब्रांच वाले बोलते हैं कि अगर आपका NPCI हो गया है तो आप UIDAI के साइट पे जाकर, यानी आधार जो वहाँ से डाउनलोड किया जाता है उसके पोर्टल पे जाकर आप अपना आधार लॉगिन करके भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका NPCI हो गया है तो आपको वहाँ शो कर देगा कि किस ब्रांच में आपका NPCI है, कौन से अकाउंट में आपका NPCI है और किस तारीख को जो है ये एक्टिव हुआ है। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपका नहीं होता है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना NPCI जो है कराने के लिए उसमें खाता खुलवा सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो है आपको 24 घंटा के अंदर ही आपका NPCI से जुड़ जाता है। इस तरह आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मंगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है बैंक में NPCI जल्दी नहीं होता है, जिससे जो है उनका पैसा नहीं आता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवा लें और आने वाला जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो आपका आ जाए। तो ये छोटी सी अपडेट थी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि किसान से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद।